two, three, funk it. So, आज है हमारा डे टू इन केरला एंड जिन्होंने पहले की वीडियो नहीं देखी है वो मैं लास्ट में डाल दूंगी, देख सकते हो। सो आज का जो हमारा प्लान है, हम पहले जा रहे हैं वर्कला बीच, फिर हम जा रहे हैं जटायू एंड देन थर्डली हम आज जा रहे हैं बोट हाउस। लाइक आप सबको पता है केरला में बोट हाउस इज वेरी वेरी फेमस एंड यहाँ का जो बोट हाउस का एक्सपीरियंस है दैट इज अमेजिंग। लाइक मैंने अभी तक नहीं किया बट आई हैव सीन मेनी वीडियोज एंड मैंने बहुत लोगों के एक्सपीरियंस सुने एंड सब बोट हाउस की सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं एंड हम लोगों ने अपनी पूरी प्राइवेट एक बोट हाउस बुक करी है। सो बोट हाउस की क्या प्राइस है एंड बोट हाउस में हमें ऑलमोस्ट सब कुछ अवेलेबल है, मील एंड एवरीथिंग। सो मैं आपको बोट हाउस जाके ही दिखाऊंगी बट उससे पहले लेट्स गो टू वर्कला बीच। सो गाइज ये है वर्कला बीच एंड वर्कला बीच के साइड में जैसे गोवा में होता है प्रॉपर मार्केट एंड बहुत ही सुंदर कैफेज है यहाँ पे एंड वर्कला बीच की पार्किंग भी बहुत बड़ी है एंड कोवलम बीच से वर्कला बीच ऑलमोस्ट 1.5 आवर का डिस्टेंस है एंड लुक एट दिस बीच, इट्स ह्यूज, इट्स रियली रियली ह्यूज गाइज, बहुत बड़ी है, लाइक लिटरली वहां तक भी खत्म नहीं हो रही है ये बीच, आप देख रहे हो। एंड यहाँ पे जो बेस्ट बात है कि जो वेव्स है वो इतनी तेज आ रही है ना कि अगर आप मस्ती करने के मूड में हो तो भाई पूरा उछल जाओगे उन वेव्स में, वो इतनी तेज वेव्स आ रही है ना, लाइक लिटरली इतनी तेज वेव्स तो गोवा में भी नहीं आती। सो व्हाट, सो गाइज वर्कला बीच से हम निकल गए हैं, वर्कला बीच से हम जा रहे हैं एलपी जहाँ पे है हमारा हाउस बोट, बट उसके बीच में आता है यहाँ पे जटायू सेंटर। जटायू बहुत बड़ा है, मतलब बहुत ऊपर ऐसे एक पहाड़ पे जाना है एंड देन अभी हम जाने वाले हैं ट्रॉली से और यहाँ से जो दिख रहा है मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब पूरा वो जटायू जो होता है उसका पूरा यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, बट जटायू वगैरह सब छोड़ो, मैं जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ दैट इज हाउस बोट एंड हम जल्दी से यहाँ से निपटा के जाने वाले हैं बोट हाउस। ऑल्सो गाइज यहाँ के जो लोग है बहुत ही स्वीट है, लाइक बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत अच्छे से सब बात करते, इवन दो उनको हिंदी नहीं आती है, बहुत कम लोगों को आती है बट स्टिल अपनी लैंग्वेज में और इन इंग्लिश उनको जितना वो हमें हेल्प कर सकते हैं चीजों में उतनी हेल्प करते हैं। सो या सो गाइज अगर आप सिर्फ जटायू जाते हो वो ट्रॉली से जाएंगे, उसका पर पर्सन इट्स 500, अगर आप ट्रॉली से नहीं जाते हो वॉकिंग जाते हो देन इट्स पर पर्सन 250। सो इतना वॉकिंग और यहाँ की गर्मी में इट्स बेटर कि आप ट्रॉली से ही चले जाओ। सो 500 पर पर्सन है, मुझे तो लगा था कि फ्री में होगा, मतलब मुझे लगा था कि ऐसा कुछ चार्ज नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 100-250 रुपये टाइप्स होगा बट इट्स 500 फॉर 1 पर्सन एंड देखते हैं कि अभी ऊपर जाके इतना वर्थ इट है कि नहीं है। वैसे तो नीचे से जहां तक लग रहा है जैसी मेंटेनेंस है उस सब के अकॉर्डिंग तो लग रहा है वर्थ इट होना चाहिए, बाकी ऊपर ही जाके पता लगेगा। आर यू रेडी टू सी द जटायू? ये है हमारा जटायू। जटायू यहाँ गिर गया था उसका एक पंख, तो उससे रिलेटेड यहाँ जटायू बनाया गया है, काफी ऊपर है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नीचे, देखो पूरा ग्रीनरी 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 एंड हियर वी हैव द जटायू। सो गाइस ये सब पूरा पीछे से पूरी लहरें बनी हुई है जटायू की एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी है खाने के लिए। सो गाइस यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ बोट होता है, एक जिसमें फुली एयर कंडीशन रूम होते हैं एंड प्रॉपर इसमें 3 रूम है एंड बाकी आप देख रहे हो अगर आपको नॉर्मली स्टे नहीं करना हाउस बोट में तो आप वहां पे ऐसे जाके ट्रैवल कर सकते हो, जैसे वो बोट है सामने नॉर्मल अगर आपको ट्रैवल करना है। सो चलते हैं बोट में एंड मैं आपको दिखाती हूँ बोट कैसी है। सो दिस इज अ लेविश बोट, सोफा एरिया भी है एंड आपको ऐसे अंदर एंटर करना है, देन वी हैव आवर रूम्स। ओह माय गॉड ये बिल्कुल एक होटल की तरह लग रहा है, इट्स नॉट इवन लुकिंग लाइक अ बोट, दिस इज जस्ट ऑसम एंड ऐसे आप ऊपर भी जा सकते हो एंड इट्स फुली एयर कंडीशन, लुक एट इट गाइस, दिस इज द अपर एरिया। सो गाइज ये है हमारा मिनी रूम अटैच वॉशरूम एंड हियर इज द व्यू। सो गाइज बोट स्टार्ट हो गई है और बोट हमें पूरा एलपी घुमाएगी, लाइक पूरा टर्न लेगी एंड रात में एक जगह पे सेटल डाउन होगी। द ओनली प्रॉब्लम इज अभी एसी नहीं चल सकता, 8 बजे चलेगा एंड थोड़ा गर्मी में मरना पड़ेगा। सो या
सो गाइस बोट पे आके नहा धो के हम रेडी हो गए हैं एंड कुछ ऐसा हमारा आउटफिट है, बहुत ही काले हो गए हैं, लाइक लिटरली बहुत काले हो चुके हैं। इसको देखो भारी लग रहे हैं कितना, एंड मेरा तो पूरा मुंह है ना दर्द कर रहा है बिना मेकअप। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से खड़ाए हैं, फ्रॉम ओडिशा, फ्रॉम राजस्थान, चिकन खा रहा है इसको बैन कर दो राजस्थान, फ्रॉम हरियाणा। इनिशियली जब मैं बोट पे आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि यार बहुत गर्मी है एंड इतना मजा नहीं आने वाला क्योंकि बहुत छोटे छोटे रूम्स होते हैं ना, और मैंने इतना छोटा रूम एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट ऊपर से जो व्यू है एंड जो हवा चल रही है बहुत मजा आ रहा है। कभी अगर इतनी गर्मी में इतनी अच्छी हवा चल रही है और मजा आ रहा है तो कोई जब सीजन टाइम में आता होगा तो उसको तो पूरा वर्थ फॉर मनी है। एंड आप देख सकते हो अभी भी बोट में मतलब पूरा ऐसे हवा है, आप पिक्चर्स ले सकते हो, इट्स एन अल्टीमेट फीलिंग। सो या गाइस दिस इज डे 2 एंड मैं थोड़ी सी चिंकी टाइप्स लग रही हूँ क्योंकि मैंने अपना मतलब हेयर यहाँ पे थोड़ा सा पानी का डिफरेंस हो जाता है तो उतना बाल ना मेरे बहुत रफ रफ से हो गए हैं। सो डे नंबर 2 है, कल तो हम लोग जल्दी लाइक अंधेरा हो गया था तो मैं एज सच कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी एंड हम इवनिंग में लेट पहुंचे थे इसलिए मैं कुछ ज्यादा व्यू भी नहीं ले पाई थी। सो अब मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ कि बोट हाउस में आके स्टे करना वर्थ इट क्यों है। ऑल्सो बात आई प्राइस की, सो वैसे बोट हाउस की प्राइस आप गूगल पे भी चेक कर सकते हो, लाइक आप वहां से भी बुकिंग करके आ सकते हो। हमारा जो ऋषि फ्रेंड है उनके फ्रेंड केरला में ही रहते हैं एंड उनकी वजह से हमें यहाँ पे 9,000 में पूरा बोट मिला है जिसमें 3 रूम्स हैं एंड पूरा पर्सनल बोट है हमारा, इसमें कोई भी नहीं है एंड जिसमें 9,000 में इंक्लूड्स लंच, ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स एंड डिनर एंड टी या जो भी आपको जब भी चाहिए हो, और खाने में वेज नॉन वेज सब कुछ मिलता है। सो और फूड भी बहुत अच्छा है। सो ये है प्राइस का एंड बाकी आप अपने किसी लिंक से बुक करवाती हो तो थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा या आप बार्गेन कर। सो गाइज अब हम यहाँ पे पूरी ताजा मछली पकड़ने वाले हैं, शिप फिश, एंड हमने बहुत मजे किए, बहुत सारी फोटोज क्लिक करी है, बहुत ही प्यारा व्यू है। सो टू सी ऑल द फोटोज यू हैव टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड अभी हम फिश पकड़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे फिश पकड़ते हैं यहाँ पे। सो गाइज अब मैं आपको दिखाती हूँ मछलियाँ, मच्छी मच्छी मच्छी। बॉडी तो क्रैब चल भी रहा है यार, वो ऐसा ही खाता है। सो गाइस ये क्रैब है जो कि बिल्कुल जिंदा है, हाय बट इनके पैर बंद हुए हैं। मछली है तो डेड है ना, फिश इज डेड। गाइज बोट का जो हमारा सफर है वो यहीं पे खत्म हो गया है। सो गाइज अब इसके बाद हमें जाना है थेकेडी एंड उसकी वीडियो में डालूंगी, सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो एंड आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय करी होगी, आपने पूरा देखा, मजे किया, मस्ती किया। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।